अभी तक डॉक्टरों का आचरण बहुत हद तक पारंपरिक रहा है। जब बच्चा पैदा होता है और अगर बच्चा नहीं रोता, उसे रुलाने के लिए जो उसके साथ व्यवहार होता है वो इतना संवेदनशील नहीं। बच्चे को एक तरह का शॉक दिया जाता है। क्या आप एक बच्चे से हंसने की उम्मीद करते हैं? क्या ये तरीका होना चाहिए इस बच्चे का स्वागत का इस दुनिया में? क्या ये एक अच्छी शुरुआत है? अब कुछ डॉक्टर एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं। वह बच्चे को माँ के गर्भ से अधिक प्राकृतिक तरीके से बाहर लाते हैं। वह तुरंत नाभि की नाल को नहीं काटते, क्योंकि इससे रोना आता है, ये हिंसा है। वह बच्चे को माँ के पेट पर नाभि नाल के साथ छोड़ देते हैं। फिर वह बच्चे को एक अच्छा स्नान देते हैं, एक गर्म स्नान। वह बच्चे को माँ के गर्भ के समान तापमान वाले एक गर्म टब में डालते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा पानी में तैरता है। पानी में समुद्री जल के समान तत्व होते हैं, 80% नमक। बच्चे को उसी रासायनिक समाधान में डाला जाता है, 80% नमक, वही तापमान। वह मुस्कुराने लगता है। ये वास्तव में एक सुंदर स्वागत है। तेज ट्यूबलाइट ये बच्चे की आंखों को चोट पहुंचाता है। वास्तव में इतने सारे लोग केवल डॉक्टरों की मूर्खता के कारण चश्मा पहन रहे हैं। बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में पूरी तरह से अंधेरे में रहता है, फिर अचानक इतनी ज्यादा रोशनी ये उसकी नाजुक आंखों को चोट पहुंचाती है। तुमने उसकी आंखों में कुछ नाजुक चीज को नष्ट कर दिया है। बच्चे का स्वागत बहुत ही मध्यम प्रकाश में किया जाना चाहिए और प्रकाश को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसकी आंखें प्रकाश के अभ्यस्त हो जाएं। स्वाभाविक रूप से बच्चा इस सुंदर स्वागत पर मुस्कुराता है। हमें नवजात शिशु के जीवन की शुरुआत को अधिक स्वाभाविक और स्नेहपूर्ण बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए, जिससे वह इस दुनिया में स्वागत महसूस कर सके और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो। प्रणाम।